नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमडी टू रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की पोस्ट के लिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 25 फरवरी को आफ्टरनून सेशन में। देखिए दोस्तों, जो मॉर्निंग सेशन में आपका एग्ज़ाम हुआ था एलडीसी की पोस्ट के लिए डीएचवीबीएन में एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 का नंबर 4 का मॉर्निंग शिफ्ट वाला सॉल्यूशन हमने करा दिया था। अभी आफ्टरनून वाला सेशन का जो एग्ज़ाम है या जो पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। और किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, हिंदी लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन आए, इंग्लिश के कितने आए हैं जी, मैथमेटिक्स से क्या आया है, रीजनिंग से क्या आया है, हरियाणा जीके से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेशनल जीके से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक तरीके से कह सकते हो ना, ट्रेड से संबंधित या फिर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपको आगामी परीक्षाओं में ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली। दोस्तों, कोई भी चैनल यूट्यूब पर आपको इस प्रकार से पेपर में हिसाब से तो नहीं करा रहा है जिस प्रकार से मैं करा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का इसमें फ़ायदा हो सके, तभी मेरा वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ मैं भी आपकी आगे से हेल्प नहीं करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज का है दोस्तों। इसने पूछा कि भाई जो पर्यायवाची बताना है हिंदी लैंग्वेज के अंदर, बोला कि भाई पर्यायवाची शब्द का सही चयन करना है, तो धर्म का जो पर्यायवाची वो मजहब हो जाएगा। सी बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है आपको आगे विलोम शब्द बताना यानी कि उल्टा शब्द बताना, तो आगे का हो जाएगा जी पीछे। तीसरा क्वेश्चन है जी उंगली उठाना मुहावरे का सही अर्थ, तो किसी पर आरोप लगाना, दोष लगाना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। परिस्थितियाँ, परिस्थितियाँ शब्द का एक वचन आपको बताना है, तो परिस्थिति आपका परिस्थितियों का एक वचन हो जाएगा। तो नीति का आपको बहुवचन बनाना है, तो नीतियाँ दोस्तों नीति का सही बहुवचन होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज शुरू हो जाती है, तो 5 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के आए हैं आपके और 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज के आए हैं। तो GIANT गैंट का आपको सिनोनियम बताना है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ह्यूज, बड़ा, तो ये आपका सही आंसर रहेगा। एंटोनियम बताना कॉमेडी का, तो दोस्तों कॉमेडी का जो आपका एंटोनियम होगा वो ट्रेजडी होगा, तो ट्रेजडी इसका सही आंसर है। अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करूं, आपको सही मीनिंग बताना है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू डाई इन हार्नेस, तो दोस्तों टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है भाई, जैसे मान लो कोई व्यक्ति नौकरी पर है या काम पर है, तो काम करते करते ही उसकी डेथ हो जाना, टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग, या टू डाई वाइल वर्किंग, या फिर टू डाई बिफोर रिटायरमेंट, तो दोस्तों रिटायर से पहले या काम करते करते मृत्यु हो जाना, उसको हम कहते हैं टू डाई इन हार्नेस, तो टू डाई अंडर ड्यूरेस, ये मेरे हिसाब से सही आंसर नहीं होगा। बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऑप्शन रहे होंगे। अगला 9th क्वेश्चन भी आपका, इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको ग्रामेटिकली क्रैक करना है 9th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें आपको फिल करनी है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क दे लेट द वाटर फॉल ऑन वुडन फ्लोर, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से आपकी यहाँ पर जीके स्टार्ट हो जाती है और ये 35 क्वेश्चन तक रहेगी, तो 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जीके के आए हुए हैं। दोस्तों वीडियो भले ही लंबी हो जाए, आराम से करेंगे सभी क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराने जा रहा हूँ। पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें शिकायत आ रही थी कि सर आप स्पीड से ज़्यादा कराते हैं, तो मैं कि चलो वीडियो लंबी हो जाए, आपको पसंद आनी चाहिए, जो आप डिमांड करेंगे वही मिलेगा सर। तो 11th क्वेश्चन है कि भाई पाटलिपुत्र को अब किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों पटना के नाम से पाटलिपुत्र को जाना जाता है। तो भारत ने दोस्तों आज तक कितने मिस वर्ल्ड खिताब जीते हैं, तो दोस्तों इस कैंडिडेट ने इसका आंसर 5 दिया जो कि गलत है, और जो इंडिया ने अभी तक जो है मिस वर्ल्ड जो टाइटल जीते हैं वो 6 जीते हैं दोस्तों। कितने जीते हैं जी, 6। सबसे पहले जो इंडिया ने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था वो दोस्तों 1966 में जीता था रीता फारिया ने, उसके बाद 1994 में जीता गया, उसके बाद 1997 में, उसके बाद 1999 में, उसके बाद 2000 में, और उसके बाद 2017 में, और 2017 में तो हरियाणा की मानुषी छिल्लर ने ही जीता था। ठीक है,
13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13वें क्वेश्चन की ओर। भारत से कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरता दोस्तों, जो कर्क रेखा वो भारत से गुजरती। मैंने जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो भी आपको कराया था, मैंने बताया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि भी जो कर्क रेखा वो भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, मैंने सभी राज्यों के नाम उस वीडियो में कराए भी थे। तो 14वां क्वेश्चन, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है कि भाई 2019 में जो आम चुनाव हुए थे वो हमारे 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, बिल्कुल ठीक है जी। पानीपत की दूसरी लड़ाई देखिए दोस्तों, जो सुबह और पहले आपके पेपर हुए हैं आईटी इंस्ट्रक्टर के कह लीजिए या फिर ये यूएच और डीएच के कह लीजिए, उनमें पूछा गया था पानीपत की पहली लड़ाई पूछी गई थी, तीसरी लड़ाई पूछी गई थी, अब पूछ लिया कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। तो दोस्तों ये आपकी पहली 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और रेवाड़ी के राजा हेमू विक्रमादित्य या हेमू के बीच हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वें क्वेश्चन है जी, स्वतंत्रता के समय हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था। जी पंजाब राज्य का हिस्सा था, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ था या एक अस्तित्व में आया था। 18वां क्वेश्चन है कि भी 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, पैरालंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट है, वह सोनीपत की रहने वाली। तो दोस्तों दीपा मलिक हैं सोनीपत की रहने वाली हैं, पहली पैरा ओलंपिक महिला जिनको राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार दिया गया, नवाजा गया। हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र हैं, तो मारुति कितनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं दोस्तों, हरियाणा के अंदर एक ही है जो गुरुग्राम गुड़गांव के अंदर स्थित है। तो दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हरियाणा यह उनका क्या नाम है। तो दोस्तों जो 21 क्वेश्चन आपका, इसका जो सही आंसर है वो साक्षी मलिक है, जो कैंडिडेट उसने गीता फोगाट आंसर दिया जो गलत है, तो साक्षी मलिक इसका सही आंसर है, जो 3 सितंबर 1992 को उनका जन्म हुआ था रोहतक के मोखरा गांव के अंदर, और 2016 के जो समर ओलंपिक थे वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 58 वर्ग की कैटेगरी में। तो ये जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये इनको आप इस तरीके से मान के चलिए एग्ज़ाम में आएंगी आपके, अभी जो आगामी एग्ज़ाम होंगे, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको करा रहा हूँ कि आप ध्यान से से वीडियो लंबी हो सुने सभी चीज़ों को, ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 22, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, 22वां क्वेश्चन जी, हरियाणा का निर्माण खालिस्तान में करवाया जाएगा। तो दोस्तों जो राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है वो आपका बल्लभ फरीदाबाद के अंदर स्थित है, और दोस्तों यहाँ पर पहले अंतर्राष्ट्रीय जो आपके ODI मैचेज हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच है, वो हो चुके हैं यहाँ पर, और ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर स्थित है, लगभग इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है। और दोस्तों इसका जो पुराना नाम था या इसको और किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, इसको मयूर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। 23वां क्वेश्चन है जी, पंडित लक्ष्मी चंद को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों पंडित लक्ष्मी चंद को सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, जो हरियाणवी संगीत शैलियों रागणियों और सांग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों हरियाणा उर्दू अकादमी, दोस्तों सुबह के पेपर में आया था हरियाणा उर्दू अकादमी कहाँ पर है, तो दोस्तों हरियाणा उर्दू अकादमी कहाँ पर, वो मैंने सुबह के पेपर में कराया था। अब पूछा गया कि भी इसकी स्थापना कब हुई, 22 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, 25 है, ये क्वेश्चन या तो गलत है या मिसप्रिंट है, इसका आंसर कहीं भी मिल नहीं रहा है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप इसका आंसर देखते हैं, बाकी आंसर की आएंगे SSC के आंसर मानती देखने वाली बात होगी। हरियाणा की राजधानी क्या आप सभी जानते हैं, चंडीगढ़ है। हरियाणा में जिले कितने आप सभी जानते हैं, 22 है। नया सबसे लास्ट में जो हमारा 22वां जिला बना वो चरखी दादरी, जो भिवानी से अलग होकर बना। हरियाणा दक्षिण पश्चिम में किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान, तो हरियाणा का जो स्टेट फ्लावर है दोस्तों, जो सुबह का पेपर था उसमें आपका राजकीय पशु या पता नहीं पक्षी ऐसा करके कुछ आया था, अब इसमें राजकीय पुष्प पूछ लिया है, तो कमल इसका सही आंसर रहेगा।
तीसवां क्वेश्चन है, कभी 1 दिसंबर 2019 तक हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें? दोस्तों 90 सीटें विधानसभा में, वही क्वेश्चन वही है, कभी पूछ लेता हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कभी पूछ लेता लोकसभा में कितनी है, कभी पूछ लेता राज्यसभा में कितनी है, कभी पूछ लेता लोकसभा की कितनी रिजर्व है, कभी पूछ लेता विधानसभा की कितनी रिजर्व है। तो मैंने सभी के आंसर एक एक करके बारी बारी से आपको दिए हुए हैं, ठीक है, इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर गुजरती है? दोस्तों इसका आंसर क्वेश्चन का होना तो बाकी ऑप्शन के हिसाब से चाहिए, अगर ऑप्शन में यमुना नदी है तो यमुना इसका सही आंसर रहेगा, अगर यमुना नहीं है तो मारकंडा आंसर है ही। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 32वां, किस हरियाणा के किस जिले में आप खोल ही रेतान, इसका जो सही है खोल ही रेतान मिसप्रिंट है यहाँ पर, खोल ही रेतान लिखा हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोस्तों आपका पिंजौर पंचकूला के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33, हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल की खेती की जाती है? तो दोस्तों हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं की जो फसल है उसकी खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन राजनीतिक लीडर हरियाणा से नहीं है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर दिया जा सकता, बाकी जो जसवंत सिंह जी हैं वो हरियाणा से संबंध नहीं रखते हैं, जसवंत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से ही संबंध रखते थे और ये आपके राजस्थान जो राज्य है उससे संबंध रखते थे। 35वां क्वेश्चन है, खालिस्तान पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो जो शूर सम्मान है वो हरियाणा सरकार के द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब आपके 5 क्वेश्चन तो हिंदी लैंग्वेज के पूरे हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के और 25 क्वेश्चन जीके के, तो 35 क्वेश्चन हो गए आपके 90 में से, 36 से आपके यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज शुरू हो जाती है। तो इसने बोला कि भाई BIT या बिट जो एक एब्रीवेशन है या जो बिट है वो किसका संक्षिप्त नाम है, तो बाइनरी डिजिट इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, अभी निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर आप दे सकते हैं, बाकी फेडोरा यहाँ पर कैंडिडेट ने लगाया है। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बगैर ऑप्शन देखे आप आंसर नहीं दे सकते हैं। 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? स्कैनर, कैंडिडेट ने जो स्कैनर को इसका सही आंसर माना है, बाकी स्कैनर जो स्कैन करता है वो एक तरीके से पूरे फेस पर पॉइंट करता है, इसने पॉइंटिंग पूछा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, स्कैनर तो काफ़ी एरिए पर जो है पॉइंट करता है। तो 39 की अगर मैं बात करूं, IP हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो इसमें पूछा कि IP यूज्ड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है, बाकी मॉडम का इस्तेमाल भी जो इंटरनेट के लिए हम करते हैं, जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आया था। तो 40 क्वेश्चन आपका यहाँ पर रीजनिंग का है, पिक दी ओड वन आउट, फिग, मैंगो, एप्पल, चलो हिंदी में बात करते हैं जी, अंजीर, आम, सेब, हिबिस्कस और अमरूद, तो यहाँ पर कैंडिडेट ने इसमें आम आंसर दिया 41 का। फिर ये रीजनिंग का है जी, 42 में रीजनिंग का, इसमें आपको जो सीरीज है वो कंप्लीट करनी है 9, 25, 81, 121, तो 3 का स्क्वायर है जी, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है जी, उसके बाद 9 का स्क्वायर, उसके बाद 11 का, तो जी 49 यहाँ पर कैंडिडेट ने सही आंसर दिया जी बिल्कुल। उसके बाद 43 फिर से आपका रीजनिंग का है जी, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। 44 ये सिंप्लीफिकेशन का आपका क्वेश्चन है, तो इसका 1000 जो आंसर है, बिल्कुल कैंडिडेट ने सही आंसर दिया दोस्तों, 0.5 तीन बार लिखा हुआ है, तो 3 जीरो ऊपर चली जाएंगी, यानी कि और ऊपर भी 3 5 हो जाएंगे, नीचे भी 3 5, तो 3 5 से 3 5 को हम काट देंगे, तो 1000 आपका आंसर आ जाएगा। 45 की अगर मैं बात करूँ, तो 45 जो आपका क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 350 रुपये में घड़ी खरीदी और उसे 12% के लाभ में बेच दी, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो जो 392 इसका जो आंसर है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर है। तो 350 का 12% निकाल कर 350 में हम ऐड कर देंगे, आपका सही आंसर आ जाएगा, 350 का 12% मेरे हिसाब से 42 रहेगा, उसमें ऐड कर देंगे तो 392 आपका आंसर आ जाएगा। 46 का जो 46वां जो क्वेश्चन है आपका, 500 के 3/8 के 32% का 25% क्या होगा, तो 15 इसका जो सही आंसर है।
47वां क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अनुपात समानुपात से कि भी एक स्कूल में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 4:17 आदि छात्रों की संख्या 3400 है। तो दोस्तों 17 × 2 = 34, 200 गुना है तो 4 × 200 = 800 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब 48वें क्वेश्चन से दोस्तों आपका यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि भाई जब एक कार एक क्षैतिज घुमावदार सड़क पर चलती है तो कार के व्यक्तियों को कार के दरवाजे की तरफ बाहर की ओर खींचा जाता है, यह बल क्या कहलाता है? दोस्तों इसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जी 49वां क्वेश्चन, जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो वह ऊर्जा हमेशा अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब्ड करती है। 50वां क्वेश्चन है कि भी इनमें से क्या एक वनस्पति कोशिका में केंद्रीय रिकितका की भूमिका नहीं है? इसका क्या आंसर होगा आप देख लेंगे। 51वां क्वेश्चन है कि भी मुद्रा बैंक क्या है? दोस्तों जो मुद्रा बैंक है, मुद्रा बैंक माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक है। तो जो कैंडिडेट ने इसमें आंसर दिया है वो गलत है। इसका आंसर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक है दोस्तों ये मुद्रा। 52वां आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यवसाय इनक्यूबेटर की भूमिका या कार्य नहीं करती? दोस्तों अब जो 52 नंबर क्वेश्चन से शुरू होकर और 90 तक जिस कैंडिडेट ने कॉमर्स से पढ़ाई की है, ठीक है, या फिर आप अकाउंट की पढ़ाई की, अकाउंट के बारे में ज्ञान रखते हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए हैं। तो मैं अब 52 से लेकर आगे के जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़कर बताऊंगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इनका फ़ायदा हो। उसके आंसर मेरे को इनके नहीं पता है, कैंडिडेट ने जो आंसर दिए हैं वो आप ये देख सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करूँगा, आराम से आपको ये क्वेश्चन मैं पढ़कर बताऊँगा। तो 52वां क्वेश्चन मैंने आपको पढ़कर बता दिया जी। 53वां है जी, एक विशेष देश की सामान्य अर्थव्यवस्था में निम्न विशेषताएं होती हैं। 54वां क्वेश्चन है जी, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्था कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्था आपकी ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर यहाँ पर सिर्फ भारतीय पेट्रोलियम पूछा होता कहाँ पर स्थित है, ये देहरादून के अंदर स्थित है, लेकिन भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्था इसने पूछा है तो दोस्तों ये विशाखापट्टनम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। विशाखापट्टनम अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये स्थित है, माफ़ कीजिए आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश बाई मिस्टेक कह गया सर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर आपकी भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्था स्थित है। अगला क्वेश्चन है जी 55वां, जब उपभोक्ता वस्तुओं की निर्माता कंपनियों को कच्चा माल और वेतन के रूप में इनपुट की बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ता है तो उनकी अपनी लाभप्रदता बरकरार रखने के लिए उत्पादन की बढ़ी हुई कीमत वे कीमत बढ़ाकर उपभोक्ता से वसूल करते हैं, यह खालिस्तान को परिभाषित करता है? आप आंसर इसका देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 56वां की, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च डैश ऑन 23rd of December 2019। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने खालिस्तान को 23 दिसंबर 2019 पर शुरू किया। तो दोस्तों एक ऑपरेशन टर्न अराउंड, एक ऑपरेशन टर्न अराउंड नाम से एक एक स्कीम शुरू की आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसका आंसर रहेगा। 57वां क्वेश्चन, नमूने का आकार तय करते समय लेखा परीक्षक ने सैंपलिंग जोखिम और टॉलरेबल त्रुटि के साथ खालिस्तान इसको भी ध्यान में लेना चाहिए, त्रुटि मुक्त पैरामीटर। 58वां क्वेश्चन, एक ट्रेंड या समस्या सभी उपगुटों में कैसे बदलती है? इसके अध्ययन के लिए खालिस्तान एक प्रभावी सैंपलिंग तंत्र है। आप दोस्तों इनके आंसर देखेंगे। 59वां जी, नए संशोधित मानकों के तहत दूसरे के काम का उपयोग करना के बारे में निम्न में से कौन सा खंड निर्दिष्ट करता है? 60वां क्वेश्चन है, प्रबंधीय लेखा जानकारी खालिस्तान के लिए तैयार की जाती है। 61वां क्वेश्चन है, स्टीफन की साइकिल निर्माण की कंपनी है, निर्माण ऊपरी खर्चों में निम्न में से क्या जोड़ा जा सकता है? ठीक है, 62वां क्वेश्चन, एक शिक्षा और विकसन कंपनी ने उनके शिक्षा उत्पादों के लिए विक्रेता कंपनी से अनुबंध करने का तय किया, यह खालिस्तान का उदाहरण है आउटसोर्सिंग।
63वां क्वेश्चन है जी, खालिस्तान के कारण आपके उत्पाद या सेवाएं आपके प्रतिस्पर्धी से अलग होते हैं, और सामान्यतः यही कारण होता है कि ग्राहक अपने प्रतिस्पर्धी के बजाय आपके उत्पाद या सेवाएं खरीदते हैं, तो ब्रांड इक्विटी इसका सही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके क्वेश्चन आए हैं। अभी कुछ आगे चल के आपको एक तरीके से जो अकाउंट्स के क्वेश्चंस होते हैं भाई, इफेक्टिव टैक्सेस हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ 67वां क्वेश्चन। यदि आप उच्च आयकर कोष्टक में आते हैं यानी कि 30%, तो आपकी आय कर पर आपको अतिरिक्त सरचार्ज राशि देनी होगी। यदि व्यक्तिगत आयकर ₹50 लाख से अधिक है लेकिन ₹1 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज दर कितना होगा। 68वां, यदि कोई व्यक्ति 60 साल से अधिक और 80 साल से कम की उम्र की है और उनकी आय यहाँ पर दिया हुआ है मेरे हिसाब से 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख के बीच है, तो उनको कितना प्रभावी कर लागू होगा। तो टैक्सेस के बारे में आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, क्योंकि लॉ डिवीजन क्लर्क की कॉमर्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जी 70वां, कंपनी की संपत्ति और उत्तरदायित्व निम्न में से किस में दर्शाया जाता है। 71वां है जी, जो प्रॉपर्टी टैक्स है इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉस्ट, संपत्ति कर कौन सी प्रकार की लागत का उदाहरण है। माल विक्रय अधिनियम 1930 के अनुसार जब भविष्य में माल संपत्ति का स्थानांतरण करना होगा तो उस अनुबंध को हम क्या कहेंगे, माल हस्तांतरण। जिस हानि का मूल्यांकन करना कठिन होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिणामी हानि। दोस्तों 74 में आपको मीडियन बताना है, संख्या दी हुई है 2, 4, 2, 6, 12, 18, 3, 24, 1, 6। 75 में हर गली में पेड़ों की संख्या है, मानक विचलन गिने, ठीक है, मानक स्टैंडर्ड डिविएशन। 76 में आपको लिक्विड संपत्ति नहीं है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए लिक्विड एसेस्ट। 77 में व्यापारी बैंकों में करंट खाते में डिपॉजिट और बचत खाते में बाकी राशि को कहते खालिस्तान कहते हैं, क्या कहेंगे उसको बताना है। उसके बाद दोस्तों व्यापारी बैंकों ने आरक्षित रखे हुए कुल डिपॉजिट का अनुपात। 79वां क्वेश्चन है 79, कौन से प्रकार के स्टॉक्स निवेशक को हर साल एक निश्चित राशि लाभांश के तौर पर देते हैं। 80वां क्वेश्चन है, कंपनी के दीर्घावधि ऋण भुगतान करने की क्षमता के बारे में कौन से अनुपात आपको बताएंगे। 81वां क्वेश्चन है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन मेलजोल से संबंधित सभी बैंक कटौतियों का विलेखन के लिए आप कौन सी जनरल प्रविष्टि करेंगे। तो दोस्तों 82वां जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज आईआरआर। आईआरआर क्या होता है, इनकम रिवर्सिबल रेट। 83वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन वित्तीय प्रबंधक की भूमिका दर्शाता है। 84वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, निम्न में से कौन दीर्घावधि वित्त स्रोत नहीं है। बिल डिस्काउंटिंग आपका सही आंसर इसमें रहेगा। 85वां क्वेश्चन है, कंपनी प्रबंधक से सभी क्लर्क्स को सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए नकली कवायद के बारे में मेमो ज्ञापन भेजा गया, कौन से प्रकार का व्यवसाय संपर्क है। 86वां क्वेश्चन है जी, व्यवसाय संपर्क की विशेषताओं का पता करना है। 87वें क्वेश्चन का आपको क्या करना है, मैच करना है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड देयर डिस्क्रिप्शन। लोअर लेवल कम्युनिकेशन क्या होता है, अपर लेवल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, आप सभी मैच इसमें कर लेंगे। उसके बाद 88वां क्वेश्चन है जी, संजना एक चमड़े के उत्पाद निर्माण इकाई पौंडीचेरी में चलाती, यदि कारखाना और यंत्रों में उसका निवेश 8.7% है तो इकाई की श्रेणी क्या होगी। 89वां क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एक बिजनेस एंजल संज्ञा का क्या मतलब है। लास्ट क्वेश्चन, एक बाजार प्रणाली जहां पर एक प्रकार के माल या सेवा का सिर्फ एक ही खरीदार है जिसके कारण उस खरीदार की कीमत तय करने की शक्ति प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, एकाधिकार। तो दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया है, आफ्टरनून सेशन का, इवनिंग सेशन का बचता है वो भी आपको बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगा जैसे ही हमारे को अवेलेबल होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।